एकता मंच को आज 25 साल हुए हैं और एकता मंच का सिर्फ बेसिक उद्देश्य ये रहा है कि कैसे है अपने इलाके में या मुंबई शहर में जातीय स्थलों का रखा जाए। इसलिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि इसमें सभी जातीय धर्म के लोग इकट्ठे आएँ और एक साथ मिलकर अमन और शांति के साथ रहें। इसके लिए फिर एकता मंच ने अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत की, जैसे लेडीज़ के लिए फ्री टेलरिंग क्लासेस हुआ, ब्यूटिशियन कोर्सेज हुआ, यूथ के लिए क्रिकेट फॉर पीस मैचेस हुए। इसी प्रकार से जितने भी समाज के अलग अलग अंग हैं जैसे, उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश की एकता मंच ने। प्रशांत जी, आपको कितना मोटिवेशन मिला सर से, क्योंकि हमने देखा कि हर इनिशिएटिव में आप जो है सर के साथ होते हैं, किस तरह का मोटिवेशन मिलता है सर से आपको? डे वन से मोटिवेशन, और बहुत मोटिवेशन है। और ऐसा है कि जो भी सोशल काम का जज्बा जो आज हमने जो लोगों में भी डाला, वो सर की प्रेरणा से हुआ है और सर से ही सीखा है सब कुछ कि कैसे किस तरह लोगों की सेवा की जाती है। और उसमें सच्ची काम करते हुए अच्छा लग रहा है। मुझे खाली एक ही लगता है, मैंने तो पत्थर में भगवान नहीं देखा लेकिन इंसान में ज़रूर देखा, जो अजय सर। क्या बात है सर। इसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी जो है ओलंपिक हुआ है, जिसके अंदर एक जो है सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे देश ने हासिल की है, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जी ने। सर आपसे राय जानना चाहूँगा, आपका क्या रिएक्शन होगा? ओलंपिक्स में इंडिया ने सचमुच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और एकता मंच की तरफ से हम सभी प्लेयर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे एंड वी वुड से ऑल इंडियंस आर प्राउड ऑफ देम। सर अभी तो एक गोल्ड आया है हमारे देश में, लेकिन आपको लगता है कि इन फ्यूचर और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और भी ज़्यादा गोल्ड हमारे डेफिनेटली हमें बहुत अपेक्षा है अपने इंडियन प्लेयर्स से। प्रशांत जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होंगी, जो ओलंपिक्स हुआ है हमारे देश के जो जितने भी प्लेयर्स थे उनको सिल्वर, टोटल 7 मेडल्स आए हमारे देश में, क्या कहना चाहेंगे सर? और भी ऐसे मेडल्स आने चाहिए, तो शुरुआत हुई अभी और इंडिया ने अपना नाम रोशन कर दिया ओलंपिक में। आज जो उन्होंने कार्य किया है वो सराहना है। सर आपसे जानना चाहूँगा, कोविड का जो टाइम था वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं ईजी करने की थोड़ी सी कोशिश की, आपने जो है बहुत सारी सेवाएँ दी, तो सर आगे आने वाले समय में एकता मंच क्या क्या और इनिशिएटिव लेने वाले हैं, अगर थोड़ा सा सर उस बारे में बताएं हमारी। सबसे पहले तो हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि जो ये कोविड की जो घड़ी है और जो लोगों की तकलीफ़ें हैं, हम सब यही दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और लोगों को सचमुच आराम पहुँचे, क्योंकि काफ़ी कठिनाइयों की घड़ी से लोग गुजरे हैं और ये दौर फिरना, यही प्रार्थना करते हैं। सर आज जो है आपने फंड रिलीफ, फूड रिलीफ का जो ड्रग भेजा है उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए और वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में ऑडियंस को बताइए। देखिए, बीएमसी के सहकार्य से वैक्सीनेशन ड्राइव हमने स्कूल में शुरू किया है एकता मंच के ज़रिए, और मेरे ख्याल से लगभग 4,000 से 5,000 लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं इस सेंटर के ज़रिए। और जहाँ तक ये रिलीफ भेजने का सवाल है, एकता मंच हमेशा हर कठिनाई की घड़ियों में एकजुट होकर अपने वॉलंटियर्स के साथ लोगों की सेवा करने की कोशिश करते रहा है। सर जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि सिर्फ प्रशांत जी नहीं, बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? ये सिर्फ लोगों का विश्वास है और भरोसा है कि एकता मंच जो भी कार्य करेगा वो सही करेगा, दिल से करेगा और उनके यकीन पर खरा उतरेगा। प्रशांत जी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो जनता आपको देख रही है? बस सर से सीखने जैसा बहुत कुछ है, लोगों का दर्द समझ में आना वो हमें सबने सिखाया, उनका दर्द समझ में लो और उनके लिए खड़े। थैंक यू सो मच।